एक चैप्टर है अ गुड सिटीजन, तो चैप्टर का नाम है अ गुड सिटीजन। अ माने होता है एक, गुड माने अच्छा और सिटीजन माने नागरिक। क्या अर्थ हुआ? एक अच्छा नागरिक। अब एक अच्छा नागरिक आप कब बन सकते हैं? तभी तो बन सकते हैं जब आप अच्छे अच्छे काम करें, आप अपने से बड़े लोगों का सम्मान करें, जो व्यक्ति परेशानी में हो उसकी सहायता करें, किसी को मुसीबत में देखकर आप उसकी जब सहायता करते हैं तो ये एक अच्छे नागरिक की ये निशानी है। अपने समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको समझाइए कि ये काम गलत है, ये नहीं करना चाहिए, और अपने से छोटे बच्चों को अच्छी सलाह दो ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ लिख के महान बन सके। तो ये अच्छा जो नागरिक होता है वो सदैव, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको अच्छी बात बताता है और दूसरों की सहायता करता है। तो उसी से संबंधित ये पाठ है। इसमें एक करेक्टर है, वेयर डिड रचेल गो फॉर हर वैकेशन। वैकेशन होता है गर्मी की छुट्टियां, यानी रचेल, ये लड़की का नाम है, रचेल जो है गर्मी की छुट्टियों में कहां गई थी, कहां घूमने गई थी। तो ये लिखा, रचेल वेंट टू मैसूर टू स्पेंड हर वैकेशन। रचेल अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने मैसूर गई थी। मैसूर बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर एक बहुत कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत घूमने लायक हैं, इनको लोग देखने जाते हैं। उनमें से एक यहाँ पर है वृंदावन गार्डन, उसकी यहाँ चर्चा की गई है, अभी आगे आएगा। तो रचेल अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने मैसूर गई थी, ठीक है। Why were रचेल एंड हर पेरेंट्स एक्साइटेड? रचेल और उसके माता पिता बहुत ज्यादा एक्साइटेड क्यों थे, उत्तेजित क्यों थे, खुश क्यों थे? अब खुशी का कारण तो सब लोग जानते हैं, किसी बच्चे से कह दो कल मेला देखने चलेंगे तो पूरी रात वो सोएगा नहीं, खुश हो जाएगा वो कि सुबह उठते मेला देखने जाना। तो इसीलिए जब किसी बच्चे के मन की कोई बात पूरी होती है तो वो एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। तो वही लिखा है, रचेल एंड हर पेरेंट्स वर एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। रचेल और उसके माता पिता इसलिए खुश थे क्योंकि वो अगले दिन वृंदावन गार्डन देखने जा रहे थे। वृंदावन गार्डन बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है। फिर आया, व्हाट डिड रचेल वांट टू मेक फॉर हरसेल्फ। रचेल अपने के लिए, यानी अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए क्या बनाना चाहती थी? तो रचेल अपने स्वयं के लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहती थी। क्या बनाना चाहती थी? गुलदस्ता। तो वही लिखा हुआ, रचेल वांटेड टू मेक अ बुके फॉर हरसेल्फ। देखिए इसकी स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, स्पेलिंग कुछ और तरीके की है और इसका प्रोनंसिएशन दूसरे तरह का है, तो बड़ा ही इसे ढंग से याद करिए, क्योंकि जो स्पेलिंग हम बोलते हैं वो और कुछ है, और जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो बुके बोलते हैं, जबकि उसमें के है ही नहीं। तो इसके उच्चारण पे ध्यान दीजिए, समझ गए नहीं? फिर है, हाउ डिड द ओल्ड मैन फॉल एंड हु हेल्प्ड हिम। बूढ़ा आदमी किस प्रकार से गिर गया था और फिर उसकी सहायता किसने की थी? कोई बूढ़ा आदमी गिर गया था वहां पार्क में, तो वो तो गिर गया, अब किस प्रकार गिरा, कैसे गिरा? भाई हम लोग गिरते हैं तो कहीं, या तो कहीं ईंट है या कोई ऊंची नीची जगह है, उस पर ठोकर लगी, ठोकर खा के गिर गए, तभी तो गिरते हैं। ऐसा थोड़ी होता है सीधे चल रहे गिर गए, किसी से टकराएंगे या पैर में कुछ उलझ जाएगा तभी तो हम गिरेंगे जमीन पर। तो वही यहां पूछा गया है, तो लिखा है नीचे, द ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन। रचेल, अब ये रचेल सा आंट है, क्योंकि उसकी सहायता किसने की थी? रचेल की जो चाची थी उन्होंने उसकी सहायता की थी। किसकी? बूढ़े आदमी की, कि वो आदमी एकदम फिसल कर गिर पड़ा और उनकी चाची जो है देख रही थी, उन्होंने उठ के तुरंत
उनको संभाला, उठाया बूढ़े आदमी को। तो इस तरह के काम होना चाहिए, अच्छे नागरिक के यही लक्षण होते हैं। फिर है व्हाट मस्ट बी डू व्हेन वी सी एनीवन इन ट्रबल। जब हम किसी को परेशानी में देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम किसी को परेशानी में देखते हैं तो हमें उसके पास जाना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, ये एक अच्छा काम होता है। या दूर से देख रहे हैं वो परेशान है, ये अच्छे नागरिक के लक्षण नहीं है, जाइए हेल्प करिए। और व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ ए गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक के क्या क्या गुण हो सकते हैं, एक अच्छा जो नागरिक होता है उसके क्या गुण होने चाहिए, उसमें कौन कौन से मेरिट्स होने चाहिए। तो नीचे लिखा है ए गुड सिटीजन शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प। एक अच्छा जो नागरिक है वो सदैव इस चीज के लिए तैयार रहता है कि जब भी कोई आदमी परेशान होता है या मुसीबत में होता है तो उसे देखकर तुरंत वो उसकी सहायता करता है। लिखा है ए गुड सिटीजन शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प दोज इन ट्रबल। ट्रबल मतलब परेशानी। बी शुड टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो लोग रह रहे हैं, पड़ोसी हैं, समाज में और भी कई लोग होते हैं, उनका भी थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए। भाई 24 घंटे तो कोई नहीं ध्यान रखता है, लेकिन थोड़ा बहुत रखना चाहिए। आपके पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनका भी थोड़ा केयर करना चाहिए तुम्हें। तो ऐसे ही जब गुण जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं वो एक अच्छा नागरिक कहलाता है, समझ गए नहीं। जो अपने पड़ोसियों से कायदे से बात करता है, मीठी वाणी बोलता है, दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो गुड सिटीजन की श्रेणी में आते हैं, समझ गए नहीं। तो यही इस चैप्टर का नाम है, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। क्योंकि जिसकी शुरुआत होती है उस बच्चे के जाने से कि वो घूमने जाती है, फिर इसके बाद पार्क में बैठते हैं, पार्क में बैठने के बाद कुछ लोग आते जाते हैं, पार्क में तो बहुत से लोग आते हैं, तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी भी घूम रहा था। वो किसी तरह से, जैसे आप लोग क्या करते हैं, खाते पीते हैं, केले के छिलके फेंक देते हैं, अब केले के छिलके के ऊपर पैर पड़ जाएगा फिसल जाएगा आदमी, ऐसे वो बूढ़ा आदमी फिसल गया, गिर गया, और उनकी चाची देख रही थी तो उन्होंने तुरंत देखा और उठ के गई और उस बूढ़े व्यक्ति को उठाया, उसकी सहायता की। तो हमको इस तरह से जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो ये है चैप्टर में, अगली बार जब आपको सबको बुक्स मिल जाएंगी तब हम इसकी रीडिंग कराएंगे, अभी किताब ही नहीं है तुम्हारे पास, तो रीडिंग कराने से फायदा क्या, ठीक है। थैंक यू।